गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएलएड सेकेंड ईयर के सभी छात्र छात्राओं का मैं अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है सृजनात्मकता और बुद्धि में संबंध। पिछली बार भी यह 4 नंबर के प्रश्न में आ चुका है, इस बार भी संभावना है कि यह प्रश्न आ सकता है, इसलिए इस पर हम लोग आज विस्तार से चर्चा करते हैं। छात्रों, अगर हम बुद्धि और सृजनात्मकता में संबंध की बात करते हैं तो बुद्धि और सृजनात्मकता दो अलग अलग प्रत्यय हैं, फिर भी इन दोनों में गहरा संबंध है। सृजनात्मकता में व्यक्ति किसी नए मौलिक तथ्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है, अर्थात किसी नवीन रचना को साकार करता है, जबकि मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि औसत से कम बुद्धि वाले व्यक्ति, यानी सामान्य से कम बुद्धि वाले व्यक्ति में सृजनात्मकता निश्चित रूप से होती है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया कि 110 से 120 आईक्यू लेवल वाले जो भी बालक होते हैं उनमें सृजनात्मकता तथा बुद्धि में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि 110 से 120 तक की आईक्यू लेवल तक सृजनात्मकता और बुद्धि साथ साथ बढ़ती हैं, अर्थात यदि आईक्यू लेवल भी बढ़ता है तो उसके साथ सृजनात्मकता भी बढ़ती है, किंतु बुद्धिलब्धि के इस स्तर के ऊपर बुद्धि बढ़ने के साथ साथ सृजनात्मकता घटना शुरू हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि बुद्धिलब्धि 120 से ऊपर यदि बढ़ती है तो 130 140 तक हो जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों में सृजनात्मकता ना के बराबर पाई गई है। तमाम सारे रिसर्च भी इस पे हुए हैं, कुछ रेफरेंस इस संबंध में हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। एक गेजल्स तथा जैक्सन ने एक स्टडी की थी, उस स्टडी के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि तीव्र बुद्धि के स्कूली छात्रों में पाया गया कि उसमें सृजनात्मकता तथा बुद्धि के बीच सहसंबंध मात्र 11 से 49 तक ही था। इसके अतिरिक्त बैरोन ने भी अपने अध्ययन में पाया कि बुद्धिलब्धि 120 से अधिक होने पर सृजनात्मकता के साथ साथ बुद्धि का रिश्ता लगभग समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त स्पिल तथा मैं ने एक स्टडी की थी जिन्होंने यह बताया था कि तीव्र बुद्धि के व्यक्तियों के बीच सृजनात्मकता तथा बुद्धि का जो सहसंबंध होता है वह मात्र 0.17 पाया गया, परंतु सामान्य लोगों में 31 दोनों के बीच सहसंबंध 0.60 तक ही पाया गया। इसके अतिरिक्त कुछ और स्टडी हुई हैं इस पर। मैकेकिनोन ने 1962 में बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच सहसंबंध जानने का के लिए अध्ययन किया था तथा उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच सहसंबंध 0 ज्ञात किया था। एसपी कुलश्रेष्ठ ने भी एक स्टडी की थी, उन्होंने अपने अध्ययन में ज्ञात किया था कि सभी सृजनात्मक व्यक्ति में कुछ न कुछ बुद्धि अवश्य होती है, लेकिन सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में सृजनात्मकता हो यह जरूरी नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि सृजनात्मकता वैसे प्रत्येक व्यक्ति में होती है, कुछ ना कुछ कम ज़्यादा सभी में होती है, लेकिन अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्तियों में सृजनात्मकता पाई ही जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। उपरोक्त अध्ययनों में से निम्न दो तथ्यों का पता चलता है अगर हम इसको गौर से देखते हैं तो। नंबर एक, सृजनात्मकता के लिए बुद्धि का एक साधारण स्तर, जैसे बुद्धि का 100 से 120 आईक्यू लेवल तक होना अनिवार्य है, क्योंकि बुद्धिलब्धि की इस सीमा से कम या अधिक होने पर सृजनात्मकता का संबंध बुद्धि से प्राय समाप्त सा होने लगता है। बुद्धि प्राप्तांक के वितरण के ऊपरी छोर पर सृजनात्मकता का संबंध बुद्धि से लगभग स्वतंत्र हो जाता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मकता का एक विशेष
मॉडल निर्माण किया है जिसे दहलीज मॉडल की संज्ञा दी गई है। इस मॉडल के अनुसार किसी भी सृजनात्मक कार्य के लिए बुद्धि का एक न्यूनतम स्तर या दहलीज के बाद सृजनात्मकता बुद्धि के अलावा अन्य कारकों जैसे विचारों की प्रवाहिता तथा अन्य व्यक्तियों व्यक्तित्व चरों आदि पर निर्भर करता है। प्रत्येक सृजनात्मक कार्य के लिए बुद्धि का न्यूनतम स्तर या दहलीज एक सी नहीं होती है, अलग अलग सृजनात्मक कार्यों के लिए अलग अलग न्यूनतम स्तर भिन्न भिन्न होता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक भी हो, सृजनात्मक योग्यता ना होते हुए भी उसमें उच्च बुद्धि हो सकती है। उपरोक्त अध्ययन के पश्चात हम निष्कर्ष रूप से यह कह सकते हैं कि एक खास सीमा तक सृजनात्मकता तथा बुद्धि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, परंतु उसके बाद सृजनात्मकता तथा बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। सृजनात्मकता को पलवित व पोषित करने के लिए उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। सृजनात्मकता एक योग्यता है, बुद्धि नहीं है। अतः बुद्धि और सृजनात्मकता को एक ही प्रक्रिया मानना गलत साबित होगा। तो छात्रों, आज हम लोगों ने बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच क्या संबंध है इसके विषय में सूझ पर चर्चा की। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ पुनः आपके समक्ष हम लोग चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए धन्यवाद।